guys, this is my last day here in Kashmir. मैं भूल गया था कौन सा दिन था, because honestly last एक दो दिन से vlog नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए भाई, बता दे थोड़ा सा. तबीयत down थी दोनों की. दोनों की डाउन थी, इसकी फिर से कल हो गई थी. ये देखो बिल्ली आ गई, इसको बाय कह रहे हैं. क्या हाल है भाई, बढ़िया. झपट्टा ना मारे, इसको शायद खाना चाहिए. एनीवेज अभी तो डेविड आके दे देगा. अभी इट्स ब्राइट एंड अर्ली, अराउंड 9 बजने वाले हैं. 9 बजे मेरी बस है. हम थोड़े लेट हो चुके हैं. मैं लेट हो चुका हूँ. इस भाई की फ्लाइट एक दिन आगे है, वो गलती से हमने करा दी थी. उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बता दूंगा जब बोट पे होंगे. एनीवेज अभी मैं बस निकलने वाला हूँ. मेरी फ्लाइट है विस्तारा की 12 बजे के करीब, उसके लिए एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है. अच्छा रहा कश्मीर का सफ़र, अच्छा रहा. बस एंड में थोड़ा सा ख़राब हो गया. अभी इस बिल्ली को अंदर नहीं जाने देना, नहीं तो वो जाके चढ़ जाती है. अरे भाई तू रोक तो सही उसको, फिर चली गई वो अंदर. तो ये कैट अंदर चली जाती है हमेशा, वो डेविड के रूम में चली जाती है. जैसे मैं कह रहा था कि अभी निकलना ज़रूरी है, बिकॉज बस हर एक घंटे बाद निकलती है और वो मिस हो गई तो फिर मेरे को प्राइवेट कैब लेनी पड़ेगी. ले आए फिर से? हाँ, तो वो प्राइवेट कैब लेनी पड़ेगी. बस करीबन 120 रुपये ही लेती है और कैब करीबन 400-500 ले लेगी. तो मैंने सोचा कि बस से ही चलते हैं. ये हैं डेविड भाई, अभी हमें छोड़ने जा रहे हैं. उठे ही हैं, सॉरी यार आपको बहुत जल्दी उठाना पड़ा. ही हैज हेल्प्ड अस सो मच, मतलब मैं बता ही नहीं सकता. सब डिस्क्रिप्शन में होगा इनका हाउस बोट. आप आओगे आई थिंक 2-3 मंथ्स में आओगे तो यही मिलेंगे. मैं ना बैग पकड़ता हूँ, काफ़ी भारी है अभी. सब कुछ है इसमें, इसको पकड़ के निकलते हैं बैक टू दिल्ली. होपफुली वील स्टार्ट आर न्यू ट्रिप इसके बाद बहुत जल्द. थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक हो गया ये ट्रिप क्योंकि एंड में हमारी तबीयत ख़राब हो गई, बट नॉट टेकिंग अवे द एडवेंचर्स वी डिड. क्यों भाई, बहुत ना कुछ ज़्यादा ही कर लिए थे. एनीवेज शिकारा में बैठते फिर मिलते. आज तेरा क्या प्लान है? देखो लाइट तो है नहीं. हाँ तो कहीं बाहर तो जाएगा ही. यहाँ पे चले जाइए शंकराचार्य मंदिर, एक तो अगर कहीं और ना जा पाए तो. वैसे तेरा बांदीपुर जाने का प्लान है आज? वो भी देख रहा हूँ. मैं जाके बात करता चूतिए से. हाँ अभी रहना, मैं एक मिनट बाद आ गया. अच्छा अच्छा बाय. भैया आप ही रख दो अंदर, कहीं कोई लकी ना जाए. यार निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट के लिए, करीबन बज गए 9. आज यार बस बंद है कुछ रीजन के लिए. भाई क्या हुआ है वैसे, क्यों बंद है आज? उधर का ट्रैफिक है ना, वहाँ का ट्रैफिक होता है. अच्छा अच्छा, दो दिन वहाँ पे छोड़ देते, दो दिन यहाँ पे. तो यहाँ पे कुछ क्या होते रहते है क्या ऐसे? नहीं रास्ते में है ना प्रॉब्लम पड़ जाती है. अच्छा अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बंद हुआ है. वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता क्योंकि कल ही पूछा मैंने तो उन्होंने बोला कि सुबह आ जाना 9 बजे के करीब, 120 रुपए लेगा और जाएगा. चलो कोई बात नहीं, तो अभी ऑटो ही लिया है. इसके करीबन 300 रुपए लेते हैं और अगर कार लोगे तो 400-500 के बीच में लेते हैं. तो सही है, कोई बात नहीं. अभी वैसे भी अपडेट हो रहे थे थोड़ा तो ले लिया, नहीं तो आप लोग TRC हैं यहाँ पे, TRC से 120 रुपए की बस ले सकते हो. लास्ट गुड बाय कह रहा हूँ श्रीनगर को. ये सड़कों पे मैं पता नहीं कितनी बार वॉक कर रहा हूँ लास्ट हफ्ते में, बहुत ही मज़े आए. एक अलग से कनेक्शन बन गया, घर की तरह बन गया, बिकॉज बहुत टाइम स्पेंड करा श्रीनगर में. हमारा सोनमर्ग जाने का भी प्लान था बट बिकॉज पेट खराब हो गया और तबीयत खराब हो गई तो कैंसिल हो गया. लक्ष्य भाई से मिला, बहुत अच्छा लगा उनसे ट्रैवल करके. भाई तो वीडियो देख ही रहा होगा यार, कभी फ्यूचर में फिर से बनाएंगे प्लान. लेट्स सी कैसा जाता है.
कश्मीर का ट्रिप अपने आप में काफ़ी बढ़िया रहा। अभी मैं एयरपोर्ट पे जाके क्या खर्चा हुआ और कुछ कुछ जो यहाँ पे है मिसकंसेप्शंस और जो भी है वो मैं जाके एयरपोर्ट पे शेयर करूँगा। अगर श्रीनगर के एयरपोर्ट पे नहीं कर पाया तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे करूँगा, क्योंकि श्रीनगर का एयरपोर्ट डिफेंस एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को भी फिल्म नहीं कर सकते, तो मैं वो रिस्क नहीं लूँगा। दिल्ली जाके ही बात करेंगे अगर वो नहीं हो पाया। पहले तो मैं जा ही रहा था ऑटो में, बट उस बंदे ने बोला था कि TRC बंद है, TRC यहाँ पे जो बस का वो है TRC खुला हुआ है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बस स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने TRC पे रुकवाया, TRC पे मैंने अथॉरिटी से बस पूछा, क्योंकि गवर्नमेंट का ही है, सरकारी है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ बंद नहीं है, इन पर ज़्यादा इनमें भरोसा मत करा करो। तो यार ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मूड ख़राब कर देती हैं। उसके अलावा तो मेरा कश्मीर का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया गया। थोड़े टूरिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं ना, ये थोड़े भरोसेमंद नहीं हैं, बस मेरे को जो जितना मेरे को लगा, जो ये शिकारा वाले होते हैं थोड़े, और थोड़े ये जो कैब और टैक्सी वाले हैं। 9 बजे डॉट चली गई है, पहली बस है जो जाती है एयरपोर्ट, और ये हर दिन चलती है, बंद नहीं होती है। तो इन कैब वालों पे ज़्यादा भरोसा मत करना, अपने आप इंफॉर्मेशन पता करो, मेरी वीडियोस देख लो, उतना काम। चुका हूँ दिल्ली में, करीबन 1 घंटे की फ़्लाइट है श्रीनगर से, तो अच्छा लगा कश्मीर घूम के, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे की फ़्लाइट थी बट मैं थक बहुत गया, और दिल्ली आते ही गर्मी तो पता चली गई है, यहाँ पे करीबन 30-35 डिग्री है, श्रीनगर में तो अभी होता 18-20 डिग्री होता। काफ़ी चीज़ें थी जो मैं शेयर कर नहीं पाया। एयरपोर्ट पे काफ़ी सिक्योरिटी है आजकल भी, और यार वो डिसइंफेक्ट करते हैं बार बार, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो एयरपोर्ट पे मैं बात कर नहीं पाया। एज़ फार एज़ जो मेन क्वेश्चन मेरे को हर ट्रिप के बाद आता है कि यार भाई खर्चा कितना हुआ, पैसे कितने खर्च हुए ट्रिप पे, तो यार इसमें मैं सीधा बता देता हूँ। एक फ़्लाइट आई थी करीबन 5-5.5 हज़ार की, और वहाँ पे 9 दिन में खर्चा हुआ करीबन 10 हज़ार, तो आप मिला लो 15 हज़ार के करीब आया खर्चा। इसमें फर्दर ब्रेक डाउन दूँ तो 3 हज़ार के करीब आया अकोमोडेशन, लक्ष्य भाई और मैंने शेयर कर लिया था तो ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं। उसके बाद घूमने फिरने में करीबन 3-4 हज़ार वही आया, और खाने पीने और ट्रांसपोर्ट में मिला के वही 2-3 हज़ार आया। तो ऐसे ही हो जाता है मेरा खर्चा। अगर किसी को बहुत डिटेल में जानना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर कमेंट्स में लिख देना। एज़ यू माइट बी एबल टू टेल, मैं काफ़ी थक गया हूँ इसी इसमें, क्योंकि यार 8 बजे का निकला हुआ हूँ और अभी 3 बजे पहुँचा हूँ, जबकि फ़्लाइट 1.5 घंटे की होती है, और श्रीनगर एयरपोर्ट पे बहुत सिक्योरिटी होती है बिकॉज इट्स अ डिफेंस एयरपोर्ट। बट सही था, लास्ट के 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए कुछ कर नहीं पाए, बट बाकी उसके अलावा सब सही था। दैट साइड इस यार वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई नो थोड़ा सा एंड में एंटी क्लाइमेटिक हो जाता है बिकॉज यार मैं बहुत थक जाता हूँ और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि सब कुछ मैं शेयर कर पाऊँ, बट अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट पे लिख देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट डाउन बिलो, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई सीरीज नई वीडियो में, देखते हैं यार इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इस साल में, आई रियली वॉन्ट टू। बट अभी भी मैं आ रहा था Terminal 3 से, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं थी, सारी डोमेस्टिक ही थी, यहाँ से हैदराबाद बैंगलोर चेन्नई मुंबई सब जा रही थी, बट
इंटरनेशनल का नाम निशान नहीं था, बट खत्म करते हैं। लाइक आई सेड, लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।